नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हल्का हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा खबिया। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। दो दिन से लापता बच्चे का शव मिल चुका है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर। सिटी थाना में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट। जी हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और बत्रा कॉलोनी से जो है लापता हुआ 4 साल का बच्चा, लेकिन अब उसका शव मिला है सोनीपत की यमुना लिंक नहर से। जो शव है वो बरामद हुआ है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो दिन से लापता बच्चे का शव बरामद हुआ है। पानीपत में दो दिन से लापता था ये बच्चा, जिसका शव मिला है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या वजह अभी तक पता चल पाई है, बच्चे की हत्या हुई है या बच्चे का जो शव मिला उसके बारे में कोई और जानकारी? देखिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूं, ये एक नवयुवक था मठ गांव का, जो किशोर जो था वो यमुना लिंक नहर में डूब गया था, जिसको तलाशने के लिए सोनीपत गांव के लोग और प्रशासन उसको ढूंढ रहा था। तभी अचानक नहर गांव के पास जो है एक 4 साल के बच्चे का शव दिखाई देता है, और जिसको रस्सियों से बांध रखा था, मुंह में उसके कपड़ा सूख रखा था, जिसकी सूचना बरौर चौकी इंचार्ज प्रभारी ईश्वर सिंह और कुंडली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को दी जाती है। वो मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर सूचना देते हैं पानीपत पुलिस को, जहां दो दिन पहले माल टाउन थाने में अपहरण के मामले में इस बच्चे की एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, और मौके पर पानीपत पुलिस पहुंचती है, बच्चे के शव को कब्जे में लेती है। उनके पिता जो हैं, पिता भी मौके पर पहुंचते हैं, विकास पासवान, और वो पहचान लेते हैं अपने बच्चे को, और जिस वजह से इसका खुलासा हो पाता है और बच्चे को मेडिकल के लिए अब सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो पानीपत से खबर, दो दिन से लापता बच्चे का शव मिला है। सिटी थाना में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बत्रा कॉलोनी से लापता हुआ था 10 वर्षीय बच्चा। सोनीपत की यमुना लिंक नहर से इसका जो शव है वो बरामद हुआ है।